हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास कक्षा 12वीं का। ये 5 नंबर जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न के हैं, उनके चौथा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। इकोलाई जीवाणु जो होता है उसमें मानव जीन की क्लोनिंग जो है एवं जो अभिव्यक्ति है उसके प्रायोगिक जो चरण हैं उनका संक्षिप्त में क्या करना है? वर्णन करना है। वर्णन कीजिए अथवा जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक है उसका संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन है या डीएनए पुनर्योजन टेक्निक है उसको बताना है। तो शुरू करते हैं। पुनर्योग जो डीएनए है तकनीक है, किसी बाहर जो स्रोत होता है, जो जीव होता है, उससे प्राप्त जो अच्छे गुण या वांछित गुण होते हैं वो विजातीय जीव, जो फॉरेनर जो जीव होता है उसमें डीएनए को क्या कराया जाता है? पोषक जो होस्ट होता है उसके डीएनए में क्या किया जाता है? जोड़कर जो वांछित उत्पाद है या फिर गुण है वो प्राप्त करना, ये डीएनए पुनर्योजन डीएनए तकनीक कहलाती है। तथा जो विजातीय डीएनए होता है उससे युक्त जो डीएनए है वो पुनर्योजन डीएनए कहलाता है। तो क्या किया जाता है? देखो, दिखा रखा है केंद्रक, दाता कोशिका और जीवाणु गुणसूत्र। तो उसमें क्या है? प्लाज्मिड दिखा रखा है, और जो बैक्टीरियल कोशिका में इसको डाला जाता है, प्लाज्मिड को, वाहक को, उसके बाद इसके डीएनए का संलयन किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो क्या है पूरा प्रोसेस? सबसे पहले क्या करते हैं, जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इंजीनियरिंग है, वो पुनर्योजन डीएनए तकनीक जो है उसकी क्रियाविधि अत्यंत बहुत ज़्यादा क्या होती है? कठोर होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और ये निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होता है? तो जो सबसे पहले जो वांछित जीन होता है उसका विलग्न क्या कहता है? अलग किया जाता है। और इस क्रियाविधि के उपचरण जो है वो इस प्रकार हैं। तो जो कोशिका होती है उसका जो विघटन होना है, अलग करना है, उसके डीएनए का पृथक्करण या अलग करना सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जिस जीव के किसी विशेष जीन जो है या फिर डीएनए जो खंड होते हैं उनको अलग करना होता है। तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, उसकी सहायता से उसकी जो कोशिका है उसका विघटन कर दिया जाता है। और उसके बाद तत्पश्चात जो अपकेंद्र जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा विघटित जो कोशिका होती है उसके तरल से उसके डीएनए जो अणु है उसको पृथक या फिर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा जो डीएनए होता है उसका विलोम पद होता है उसमें अलग करना, इस उपचरण है उसमें अपकेंद्रण जो है उसके द्वारा, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसके द्वारा जो डीएनए अणु होता है उनको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसकी सहायता से छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस विधि द्वारा जो डीएनए खंड होते हैं खंडों को अलग करना, इस उप जो उपचरण है उसमें जेल इलेक्ट्रो जो फोरेसिस है उस विधि द्वारा प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस जो होता है उसके द्वारा काटे गए जो डीएनए खंड होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद जो डीएनए आरएनए संकरण होता है उसका निर्माण, इस उपचरण में जो वांछित डीएनए होता है उसको पृथक करने के लिए इन्हें उच्च तापमान जो होता है उस तक गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है डीएनए जो खंड होता है उसके दोनों जो सूत्र होते हैं उनसे उनको नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और डीएनए जो खंड होते हैं उनके दोनों जो सूत्र होते हैं अलग हो जाते हैं। आगे है, यह जो क्रिया होती है वो विकृतिकरण जो होते हैं, डीनेचुरेशन जो होते हैं वो कहलाती है। और अब क्या होता है, जो वांछित जीन होता है उसके अनुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन है उससे बनने वाले जो एमआरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए हैं, उनको प्राप्त करके एक सूत्रीय जो डीएनए खंड होते हैं उनके मिश्रण में मिला दिए जाते हैं। और जो एमआरएनए वांछित जो डीएनए होता है उसके टेम्पलेट से जोड़कर जो डीएनए आरएनए जो है सम्मिश्रण या संकरण का निर्माण करते हैं। द्विसूत्री जो डीएनए होता है उस खंड का संश्लेषण किया जाता है। इस अंतिम चरण में डीएनए जो आरएनए होता है वो सम्मिश्रण जो वाले जो खंड होते हैं उनको एक सूत्रीय डीएनए मिश्रण में पृथक या अलग करने के बाद क्या होता है, एमआरएनए जो होता है उसको भी पृथक कर लिया जाता है। और अब जो डीएनए के जो साचा है, सूत्र जो है, उस पर संपूरक जो होता है सूत्र का संश्लेषण किया जाता है। और जो डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से कराकर इसे क्या किया जाता है, सामान्य जो द्विसूत्री है डीएनए जो होता है उसके खंडों में परिवर्तित कर लेते हैं। तथा ये जो विधि होती है वो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस में जो वाहक
दूसरे प्रोसेस में जो वाहक डीएनए होता है उसके अणु का चयन किया जाता है, और जो पुनर्योजक जो डीएनए होता है तकनीक, उसकी इस द्वितीय जो चरण होता है उसमें जो वांछित जीन होते हैं उनको अन्य किसी जीन के जो डीएनए होता है अणु से जोड़कर पुनर्योजक जो डीएनए अणु होता है उसका निर्माण किया जाता है, और जिस डीएनए अणु में जो वांछित जीन होते हैं उनको जोड़ते हैं उसे वाहक या वैक्टर कहते हैं। वांछित जो जीन होते हैं उनको वाहक डीएनए से जोड़ करके पुनर्योजक जो डीएनए होता है उसके अणु का निर्माण पुनर्योजक डीएनए तकनीक के तीसरे चरण में वांछित जो जीन होते हैं उनको वाहक डीएनए अणु जो होते हैं प्लाज्मिड जो होते हैं उससे जोड़कर पुनर्योजक जो डीएनए है उसका निर्माण किया जाता है। आगे है सर्वप्रथम, सबसे पहले जो वाहक डीएनए है या प्लाज्मिड जो है अणु को इसके विलोम पद जो होते हैं उस पर किसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसकी सहायता से काट देते हैं, और इसके कटे हुए जो सिरे होते हैं उनको सलांगी या स्टिकी, मतलब क्या होते हैं स्टिकी होते हैं, और इस एंजाइम की सहायता से जो वांछित जीन होता है उसके सिरों को भी क्या किया जाता है सलांगी सिरों में परिवर्तित कर दिया जाता है। और अब क्या होता है जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है उसकी सहायता से जो वांछित जीन होता है उसको वाहक अणु से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है, और यह जो क्रिया होती है वो तापानुशीतलन या फिर एनिलिंग कहलाती है, और इस प्रकार जो पुनर्योजक जो डीएनए है उसका निर्माण होता है हो जाता है। आगे है फोर्थ पॉइंट, पुनर्योजक जो डीएनए है उसको पोषद जो होस्ट होता है वो जीवाणु के अंदर प्रवेश कराना पुनर्योजक डीएनए अणुओं को पोषद कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं प्रवेश करवाया जाता है, और जो पोषद यानी होस्ट होता है होस्ट के रूप में मुख्यतः जो ई कोलाई है उसका उपयोग किया जाता है, और परंतु आजकल बैसिलस सेप्टिसिस जो है नामक एक जीवाणु है बैक्टीरिया है और यीस्ट कोशिकाओं का भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित तीन विधियां हैं जिनके द्वारा पोषक जो होता है उसमें पुनर्योजक जो डीएनए उसको प्रवेश कराया जाता है, तो पहला है रूपांतरण जो है वो हमने जो पिछले क्वेश्चन में करे थे वो करने हैं, एक तो रूपांतरण द्वारा, दूसरा है पारगम्य द्वारा, तीसरा है वाहक रहित बिना वाहक के जीन स्थानांतरण विजातीय जो बाह्य डीएनए होता है उसकी परपोषी कोशिकाओं में डायरेक्ट रूप से क्या किया जाता है वाहक के बिना निवेश जो है उसको प्रत्यक्ष जीन जो स्थानांतरण डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ विधियाँ जो हैं उसके लिए जो दीर्घ उत्तर ये है वो हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, पुनर्योजक जो डीएनए है उसका अणु का पूंजीकरण जो होता है पुनर्योजन डीएनए अणु की अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त करना अनुवांशिक अभियांत्रिकी का पुनर्योजक डीएनए तकनीक का अंतिम चरण है, और इस डीएनए क्लोनिंग जो यह है या फिर जीन क्लोनिंग कहते हैं। इस क्रिया में जो जीवाणु होता है उसकी कोशिकाओं के अंदर पुनर्योजक जो डीएनए होता है वो बार बार द्विगुणन करता है, और जिससे इसकी जो अनेक प्रतिलिपियां होती है वो निर्मित हो जाती हैं, और इसमें से केवल रूपांतरित जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं वो ही प्रतिजैविक की उपस्थिति में जीवित रह जाती हैं। आगे है छठा, पुनर्योजक डीएनए के से विजातीय जीन जो है वो उत्पाद को प्राप्त करना वांछित जीन का पूंजीकरण या फिर क्लोनिंग करके तथा लक्ष्य जो प्रोटीन होता है उसकी अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल बनाने के लिए बाद क्या हो गया जाता है कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकता है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन या फिर एनकोडिंग जीन जो होता है वो किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो यह पुनर्योजक जो प्रोटीन होता है रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन कहलाता है। वांछित जीन जो होता है वो युक्त परपोषी जो कोशिकाएं होती हैं उनको छोटे पैमानों पर प्रयोगशाला में संवर्धन या कल्चरल किया जा सकता है, और अनेक तकनीकों द्वारा इस संवर्धन में से जो प्रोटीन होते हैं उनका निष्कर्षण और शोधन किया जा सकता है। कोशिकाओं के लगातार सतत जो संवर्धन है उसके लिए पुराने जो पोषक माध्यम होते हैं उनको निकालने और ताज़ा जो पोषक माध्यम है उनको डालने की जो व्यवस्था होती है वो की जाती है, और जिससे कोशिकाएं क्या संख्या में और अधिक सक्रिय बनी रहे और वांछित प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होता रहे। तो ये तकनीक बता रखी है पुनर्योजक जो प्लाज्मिड है, उसके बाद कैल्शियम जो है कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में इकोलाई कोशिकाओं का प्लाज्मिड के साथ किया जाता है मिश्रण मिक्सअप किया जाता है, और जीवाणु जो कुछ सूत्र है वो और पोषक जो अगार प्लेट है उसका संवर्धन किया जाता है, उसके बाद जो रूपांतरित इकोलाई कोशिका है उसको क्या कहते हैं प्लाज्मिड या फिर रेप्लिकेशन कहते हैं,
रेप्लिकेशन यहाँ पे होती है, उसके बाद कोशिका जो है वो गुणन करती है, सेल मल्टीप्लिकेशन होती है, जिससे कई सारी कोशिका में जो इच्छित गुण या वांछित गुण होता है वो ट्रांसफ़र होता है। कोशिका जो निभ है या प्रत्येक प्रतिलिपि जो है उसमें समान पुनर्योजन प्लाज्मिड जो है वो युक्त सेल कॉलोनी दिखाई देती है, और ईच कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट, हर एक के अंदर जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट है, और पुनर्योजन प्लाज्मिड जो है उसके पुंजीकरण की जो विधि है उसका ये चित्रण है रेप्लिकेशन का। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।